Hey, how was your interview? It was good. How much they are paying? They are paying me 40 plus. Would you join this job? I would not join this job. I have some other plans. Don't miss this opportunity. It seems like a pie in the sky. As she got the job and got an opportunity, that was she was going to get around 40,000 salary. 40,000 मिलने वाले थे. उसको छोड़ के चली आई है. उन्होंने कहा कि मैं I have some different plans. And she spoke an idiom. The idiom was It seems like pie in the sky. Pie in the sky क्या होता है? Pie in the sky, pie आप जानते हैं एक तरह का dish होती है और वो pie आपको आसमानों के दिख जाए. कैसे possible है? खाने पीने चाहिए आसमान तो गिरेगी नहीं. तो कोई ऐसे plan, आपको ऐसे ideas, ऐसे goal जो कि possible नहीं है. Practical मतलब सोचने में बहुत अच्छे आसान लग रहे हैं. आप सोचने में ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, वो कर पाएंगे. सोचने में उसमें कोई पैसे लग रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. कोई ऐसे प्लान, गोल, आइडियाज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर पा रहे हो तो बोल सकते हो इट सीम्स लाइक पाई इन द स्काई. तो पाई इन द स्काई मतलब ये होता है गोल, आइडियाज, प्लान्स जो कि सोच सकते हो आप लोग. सोचने की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो प्लान पूरे होने में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी शो नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं पाई इन द स्काई. यू कैन टेक सम मोर इंस्टेंसेस. जैसे I would do this job and within a year I would buy Ferrari. कार खरीदना भैया मैं Ferrari कार एक दो महीने बाद में. So it seems like pie in the sky. तो you are just making plan like a pie in the sky. तो इसलिए plan कर रहे हो. अब रहे UPSC के exam. UPSC exam तो मैं मुश्किल 6 महीने में clear कर लूँगा, सारे syllabus complete कर लूँगा और कर जाऊँगा. Finishing the syllabus of UPSC is like a pie in the sky. तो pie in the sky इसके plan ideas जो कि सोचने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन करने में बहुत टफ है तो उसे बोल सकते हो. इंग्लिश इंग्लिश.